फतेहपुर एसपी ऑफिस में खड़ी यह बच्चियां छेड़खानी का शिकार हुई हैं और अपने परिजनों के साथ यहां आकर एसपी से गुहार लगाई है। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही के आदेश दे दिए हैं। पीड़ित फतेहपुर में गाजीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। यह बच्चियां खेत पर चने की भाजी तोड़ने गई थी, तभी गांव का ही रोहित सिंह वहां आ गया और चारों बच्चियों को खींचकर अरहर के खेत में ले जाने लगा। लेकिन दो बच्चियां किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग निकली और शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को आता देख आरोपी भाग खड़ा हुआ। तो हमने पूछा, बिटिया तुमने क्यों नहीं बताया हम पहले, अब क्यों बता रही हो? तो गए मम्मी कि उसके घर चलो। जब हम उसके घर गए तो वहाँ पे उसका पापा बोल रहा था कि बेटा तुम जाओ, ऐसा हमारा लड़का नहीं है। तो पापा हमारे घर आया, हमसे चरौड़ी कर रहा था, हमका हमारे इज्जत का सवाल है, हम नहीं मानेंगे। क्या धमकी भी दे रहे हैं? हमारे बच्चों को धमकी दे रहे थे कि अगर तुमने अपने मम्मी पापा से बताया तो हम जान से तुमको मार दें। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही करते हुए आरोपी रोहित सिंह को हिरासत में ले लिया है। गाजीपुर थाना क्षेत्र में गमरी गांव है, जहां दो बच्चियों के साथ उसी गांव के एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। इस संबंध में थाना गाजीपुर पर अभियोग पंजीकृत है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें हरिजन बनाम सवर्ण, छेड़खानी, पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत। सूबे की सरकार लगातार इस बात को कहती रहती है कि बहन बेटियां अब रात में भी सुरक्षित हैं, लेकिन फतेहपुर में तो दिन दहाड़े ही बेटियों को घसीटा जा रहा है। ऐसे में कौन सरकार की इन बातों को मानेगा कि वह सुरक्षित हैं? फतेहपुर से संदीप शुक्ला, न्यूज 75.in।